ये बहुत छोटा से मरा हुआ थोड़ा मरा हुआ बाबा कहीं चमत्कार चमत्कार समझिए। आप सभी को तो अभी मैं हूँ भूतनाथ मंदिर। जीवन में पूजा पाठ बहुत जरूरी है। कोलकाता सिटी कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। और बहुत आप सभी को तो अभी मैं हूँ भूतनाथ मंदिर और अभी नहा धोकर आया हूँ पूजा करने के लिए भूतनाथ में। मेरे साथ मेरा भाई है सुमित और मेरे साथ मेरी मम्मी नानी भाभी सबके सब है यहाँ पे। और दिखा दो मैं अभी पिछले बैकग्राउंड कैमरे में सब कुछ दिखाऊँ। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है और देख सकते अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह है। और फिर पूजा पाठ करते कर लेते थोड़ा सा क्योंकि जीवन में पूजा पाठ भी बहुत जरूरी है। और क्या कहना चाहते हो, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे भूतनाथ? तुम पहली बार आए हो ना कोलकाता? हाँ। कोलकाता सिटी कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। और भूतनाथ, भूतनाथ का नाम जैसे सुना था वैसा ही रियल में है या कुछ अलग है उससे? सुने से सेम है। सेम ही है, बस इन्हीं से थोड़ी जगह कमी है। जमी जगह कमी है, रोड सड़क पे ही सब कुछ दुकानों खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे चल के। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ये थोड़ी सी मार्केट है और ये बाबा भूतनाथ की दरबार। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. माता रानी, मेरे माता श्री और नानी, मेरे भाई भाई सब का सब यहाँ पे फूल ले लिया फूल पत्र। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दरबार में कर दिया हूँ यात्रा। यहाँ पे बाबा के दरबार, यहाँ पे सब भक्तगण लगे हुए हैं फूल बिलपत्र लेकर के। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। तो ये भूतनाथ में रहते हैं मेन सिटाने के लिए। और ये मोटा महादेव है, ये जो मंदिर है वो काफ़ी विखंडित रहता है, वो काफ़ी कारों से ही पड़ा रहता है। नहीं, हर जगह मंदिर है वो बनता ही रहता है, पर ये मंदिर आज तक नहीं बना है। भाई मंदिर में क्या चीज़ है, मंदिर बोले क्या नहीं चाहिए? हाँ, तो मतलब सब दिन यहाँ रहे थे मंदिर। और ये शिवलिंग की खासियत छे पता लगे, इसलिए बड़े रहे छे। ये बहुत छोटा से मरा हुआ थोड़ा मरा हुआ
चमत्कार समझिए। ये कभी मंदिर नहीं बन पाता और ये महादेव का जो शिवलिंग है ना वो विकसित होता ही रहता है, मतलब हर दिन सारे सारे पौधे छे कि कितना की कोशिश छोटा से बढ़ता ही जाता है। यही था मोटा महादेव का असलियत और मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ।